दोस्तों उसी स्थान पे आ गए जहाँ पे सांप दिखा है, और ये माता जी हैं जिन्होंने सांप देखा है। सांप कहाँ दिखा माता जी? सांप हम सुबेरे सूत के उठानी है। अच्छा, यही देखा था, जीव लुक पावा था। अच्छा अच्छा, देखा नहीं है, कहत नहीं काट न ल। हां हां, तो हम बोलावनी है कहानी इनके, यही कहना हमसे पहचान के बानी। अच्छा, तो ई बोलावनी है आपके। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो भैया आपने नंबर फोन किया था तो? अच्छा अच्छा, नंबर यूट्यूब से निकाले हैं। तो सांप कहाँ पे दिखाए दिखाइए। तो फिलहाल दोस्तों उसी स्थान पे आ गया जहाँ पे सांप दिखा है। तो फाइनली देखते हैं कौन सा सांप है और किस स्थिति में है। सीट में तो चलिए इन सारी चीज़ों को हटाते हैं और सांप जो है उसको सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं और फिर उसको लेकर के उस कंक्रीट वातावरण में छोड़ेंगे। तो फिलहाल वीडियो में बने रहिए। दिख गया तो फाइनली दोस्तों सांप कहीं पे दिख गया। अच्छा हाँ, तो दोस्तों मैं लाइट ऑन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे स्नेक है। ओह माय गॉड, दोस्तों ये है स्नेक। सर पता नहीं चल रहा कौन सा सांप है, ये काला काला है, लेकिन थोड़ा हटाइएगा ईट दो चार, तो ऊपर का हटाइए दो चार। करेत है। हाँ हाँ। तो फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं सांप आपके सामने है, आंखों के सामने। और ये इंडियन कॉमन करेत है, जिसको कॉमन करैत बोलते हैं, करैत बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो चलिए देखिए किस तरीके से इस कंदर घर के अंदर छुप के बैठा था। अगर ये घर के परिवार के किसी सदस्य को काट लेता तो कितनी बड़ी हादसा हो जाती है। दुनिया का नंबर वन जहरीला सांप है। तो चलिए इस सांप को निकालते हैं और फिर सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। इस सांप के बारे में जो भी जानकारी होती है वो देते हैं और फिर ले चल के सुरक्षित इस सांप को जंगल में छोड़ेंगे। ओह माय गॉड, इसका हेड आ गया सर। तो ये रहा इसका हेड, देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये अपना हेड निकाला हुआ है। और ये छलांग लगा काटता है क्या सर? थोड़ा बहुत छलांग लगा काटता है। देखिए दोस्तों किस तरीके से ये कितना साइनेबल है और कितना खतरनाक सांप है। तो चलिए फिलहाल इस सांप को यहाँ से निकालते हैं और ले चलते हैं बाहर। मोहित सर आसानी से रेस्क्यू करिए बचा के। बचा गया। फिलहाल दोस्तों इस सांप का पूंछ को मोहित सर ने पकड़ लिया। तो दोस्तों ये जो सांप है ये बहुत ज्यादा बीस वाला सांप है, जहर वाला सांप है, जहरीला सांप है। तो चलिए इस सांप के बारे में सारी जानकारी मोहित सर से जानते हैं और इसको बाहर लेके चलते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मोहित सर के सूंच के नीचे आ चुका है। चलिए ले चलिए सर बाहर। फिलहाल इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर ला दिया गया। तो देखिए किस तरीके से ये भाग रहा है। तो फाइनली सांप को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर स्थान पे ला दिए हैं। अभी सांप के बारे में सारी जानकारी मोहित सर से जानते हैं। जी मोहित सर बताएं। देखिए दोस्तों ये भारत के टॉप फोर जहरीले सांपों की श्रेणी में आता है, इंडियन कॉमन करैत, जिसे यहाँ की लोकल भाषा में घोरकरैत के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में कॉमन करैत और साइंटिफिक नेम है पंगरस कैरुलस। और ये एक प्रकार से न्यूरोटॉक्सिन जहर इसके अंदर पाया जाता है। ये कभी किसी को बाइट करता है तो 2 से 2.5 घंटे के अंदर सही उपचार सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। कि इसका तो दांत होता है, विषदंत होती है, सबसे पतली और बारीक विषदंत होते हैं। और ये कब काटता है, जब रात के अंधेरे में आप गहरी नींद सोते हैं उसी वक्त ये आपके बिस्तर पर चढ़ के आपको बाइट करता है। और टोटली इसका जितना केस देखा जाता है सारा टोटल रात में ही देखा जाता है, क्योंकि जितना इसका बाइट का केस है सब रात में है और टोटल बिस्तर पे ही है। ये बिस्तर पे ज्यादा काटने में माहिर है, इसीलिए इस सांप को भारत में साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह पे इसे असुर सांप भी बोलते हैं, कई जगह पे इसे निशाचर भी बोला जाता है, क्यों, और कई जगह पे इसे चोर सांप भी बोलते हैं, क्योंकि ये दबे पांव आता है धीरे से और आप सोए रहते हैं आपके बिस्तर पे चढ़ के आपके साथ आधा घंटा एक घंटा आपके बिस्तर पे रहेगा छिपकर, उसके बाद आपको धीरे से काटेगा जब आप गहरी नींद में रहेंगे और काट के गायब हो जाएगा वहां से। तो आप समझ नहीं पाते हैं, कोई समझ नहीं पाता क्या हुआ कैसा हुआ, और लोग नजरअंदाज करके सो जाते हैं और जो नजरअंदाज करके सोता है वो हमेशा के लिए सो जाता है।
तो दोस्तों, इस सांप के बारे में जो भी जानकारी थी मोहित सर ने आपको दे दिया। मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जब सांप काटता है तो बिल्कुल चूहा जैसे काटता है या फिर चींटी काटती है उस तरह से इसका फीलिंग होता है, मतलब बहुत कम महसूस होता है कि सांप काटा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ये सांप काटता है तो आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। इसके काटने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद आपको खुजली होना, जहाँ पे काटा वहाँ पे खुजली होगा, चक्कर भी आएगा और वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग होगा और दर्द होगा आधे घंटे के बाद। और अगर ज़्यादा खतरनाक काटा है तो आपको उल्टी भी हो सकती है और आपका आँख बंद होना शुरू हो जाएगा इस सांप के काटने के बाद आधे घंटे के बाद, बेहोशी छाना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि सांप काटा है कि कोई जीव काटा है या कुछ और काटा है, तो आप तुरंत इस नंबर पे, जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे हमें उस काटे हुए स्थान का फोटो खींच के भेज सकते हैं, तो हम बता देंगे कि सांप काटा है कि कोई जीव काटा है। बहुत ही छोटा इसका बीजदंत होता है। हालांकि खुशी इस बात की है कि सांप के काटने के बाद आपको पर्याप्त 2 घंटा का समय मिलता है, तो आसानी से आप हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया, होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए सांप को पैक करते हैं, ले चल के जंगल में छोड़ देते हैं। ऐसे सांपों से बिल्कुल बरीता रखना चाहिए और बचाव करना चाहिए। अपने घर के आसपास में दिखता है तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, किसी रेस्क्यूअर को बुला के रेस्क्यू करा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।